जय जोहार। नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी नेचुरल लिप बाम, जो कि बहुत ही यम, नेचुरल और बहुत ही सॉफ्ट होने वाला है। लिप बाम नेचुरली तरीके से, होम मेड लिप बाम के जो सामान है वो मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगी कैसा क्या है। घर में भी बना सकते हैं, मैं तो घर में बना ही रही हूँ, तो आप ये प्रोसेस देखिए कैसे क्या होता है। बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी तरीका से मैंने इसको बनाया है एंड मैं अप्लाई भी कर रही हूँ इसको, कि मतलब कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं, बट मुझे फ़र्क पता चल रहा है क्योंकि मैं इसे रोज़ अप्लाई करती हूँ, मैं रोज़ इसे खा भी लेती हूँ। आप लोग को ज़्यादा देर नहीं कराते, आप स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए फैमिली शुरू करते हैं। मैंने ये दो चुकंदर लिया है, आप तीन चार कितने भी चुकंदर ले सकते हैं। दो चुकंदर इसलिए क्योंकि ये आप जब मिक्सी में पीसते हैं तो वो अच्छे से पीस जाएगा। फिर चुकंदर आपको पता है कि कलर आन लाने के लिए चुकंदर बहुत ही बेस्ट है, इसलिए मैंने चुकंदर चुना। उसके बाद हम ये 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क चॉकलेट लेंगे, देख सकते हैं आप। चॉकलेट में आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा जो बटर होता है वो डला रहता है, इसलिए हम वैसलीन का यूज़ नहीं करेंगे, बटर इसमें है इसलिए। और स्मेल के लिए भी हम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि चॉकलेट की स्मेल कितनी ऑसम होती है। फिर ये कुछ सामान है जो आगे यूज़ करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए। अब हम ये सारे सामान को साइड कर देंगे, बस चुकंदर को रखेंगे क्योंकि चुकंदर को हमको काटना है और इसको छीलना है मिक्सी में पीसने के लिए। आप चाहे तो चुकंदर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। कद्दूकस करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने फटाफट इसको काट बस लिया और मिक्सी में पीस लिया। तो फाइनली हमने इसको छील लिया। इसके छिलकों को फेंकना नहीं है, इसके छिलकों को आप तुरंत होंठ पे रगड़ सकते हैं। आप इसको सुखा के इसका पेस्ट बना के आप फेस पे लगा सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट रहता है। अब हम इसको काटेंगे। तो मैंने इसे काट लिया, देखिए मेरा हाथ कितने रेड हो गए हैं इसे काटते काटते। अब इसे हम मिक्सी की ओर प्रस्थान करने के लिए ले चलेंगे। तो हमने पीस लिया इसे, अब इसको हम छान कर, कपड़े से छान कर कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैंने कपड़ा ले लिया। अब इसमें हम जो पीसा हुआ जो चुकंदर है उसको डाल के इसका जो रस है वो कटोरी में डाल देंगे। हमने इसका रस निकाल लिया, देखिए कितना रेड रेड दिख रहा है मेरा हाथ, ऐसे लग रहा है कि मैंने खून की होली खेली है, बट ऐसा नहीं है, ये चुकंदर है। इसमें मैंने पानी भी, एक बूंद पानी भी यूज़ नहीं किया है। अगर पानी यूज़ कर देते तो ये बहुत पतला हो जाता, जो कलर चाहिए वो कलर नहीं आता, इसलिए पानी यूज़ ना करें। फिर ये जो एक्स्ट्रा जो इसका पेस्ट है उसको फेंके ना, इसको आप सुखा कर अपने फेस पे लगा सकते हैं, वही इसका रीयूज़ कर सकते हैं हम।
देखिए मैंने पूरा चुकंदर का रस निकाल लिया है। अब इसको हम बर्तन में अच्छा गाढ़ा होने के लिए इसको पकाएंगे। ये इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए कि वो चिपचिपा हाथ में होता है वैसा हो जाए। तो चलिए इसको अब पकाने के लिए लेके जाते हैं। फिर आप लोग को एक ऐसा बर्तन लेना है जिसमें चुकंदर का रस अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो देखिए ऐसा बर्तन, अगर ऐसा बर्तन नहीं होगा तो आप कोई भी स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ये रस डाल रही हूँ। आज धीमी आंच में ही इसको पकाना है, आपको आंच ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने से ये जल्दी मिक्स हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए आपको धीमी आंच पे इसको पकाना है। उबाल आने के तक हम इसका वेट करेंगे। उबाल आ गया, चम्मच की सहायता से आप इसको चलाते जाएंगे क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा, फिर आपको जो पेस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको चलाते जाना है। देखिए कितना लाल हो गया, गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो नहीं रहता, क्योंकि पानी रहता है तो वो जमता नहीं है जल्दी से फ्रिज में, तो इसलिए पानी को थोड़ा कम करने के लिए और इसका गाढ़ापन और रेडनेस जो कलर है वो अच्छे से लाने के लिए हम इसको पकाते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, ये अच्छे से पक गया है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे गैस बंद करके। हमने इसको कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अब हम इसमें चॉकलेट मिलाएंगे। मैं आपको कलर दिखा रही हूँ कैसा कलर आया है। इसमें अभी कुछ नहीं मिला है, ना चॉकलेट मिला है, कुछ भी नहीं। ये मैं गाढ़ापन दिखा रही हूँ कि कितना गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा होने से भी ये मतलब कुछ नहीं मिलेगा, कटोरी में कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा आपको। ये चॉकलेट मैं अब इसको मिक्स करूँगी उसमें। हम इस चॉकलेट को आधा ही यूज़ करेंगे क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से, चुकंदर के रस की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको आधा ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो आधा चॉकलेट बचा है इसको मैं खा लूँगी क्योंकि मेरे से चॉकलेट रहा नहीं जाता। ये थोड़ा गाढ़ा पेस्ट है इसलिए हम इसको बॉइल्ड वाटर में मेल्ट कर लेंगे। ये मेल्ट हो गया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम छोटे से कंटेनर में डाल देंगे और इसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख देंगे। याद रखिए आपको फ्रीज़र में स्टोर नहीं करना है, आपको फ्रिज में स्टोर करना है। फ्रीज़र में स्टोर करने से जो उसका बर्फ़ का पानी है वो इसमें जा सकता है और वो जमेगा नहीं। चॉकलेट का यूज़ इसीलिए हुआ है क्योंकि वो जल्दी जम जाए, चॉकलेट बहुत जल्दी जम जाता है और चॉकलेट्स में बटर भी है तो कोकोनट ऑयल ये वैसलीन ये मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रीज में जमने के लिए छोड़ देंगे। ये 8 घंटे या 1 दिन भी लग सकता है जमने के लिए। मैं थोड़ा सा अपने हाथ में लगा के दिखाती हूँ कि कैसा कलर आया है बिना वैसलीन के, बिना कोकोनट ऑयल के। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिना किसी एसेंशियल कलर के, बिना किसी एक्स्ट्रा कलर के, नेचुरल यही है। आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा ये। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें।
और मैंने जो बनाया है वो मैं आपको अप्लाई करके भी बताऊंगी कि कैसा क्या फर्क आ रहा है, कैसा क्या है। तो चॉकलेट और चुकंदर का ये मिश्रण कैसा लगा आपको? मतलब इतने अच्छे कलर दिए हैं ना चुकंदर, और इतने अच्छे स्मेल चॉकलेट की, मतलब लगाने पे लगता ही नहीं है कि हमने कुछ लगाया है। मतलब वैसलीन तो इसमें हमने डाला ही नहीं है, तो वैसलीन अगर आप इसे ऐसे खा भी सकते हैं ना, तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे हो भी गया ना, तो कोई डर नहीं रहेगा कि मैंने खा लिया। वो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी जाके यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करना मैं अभी बताऊँगी। पहले मैं ये लिपस्टिक रिमूव कर लेती हूँ। तो मैंने मेरा लिपस्टिक रिमूव कर लिया है अभी। अब हम लगाएंगे लिप बॉम, या वो मैं लिप बॉम लगा के दिखाते हैं आपको उसका रिजल्ट। तो अभी इसको हम लगाते हैं। देखिए कितना रेडिश कलर आया इसका, और सिर्फ दो चीज़ें, वो चॉकलेट और चुकंदर, बस उसके उसके बाद कुछ नहीं मिला है इसमें। सावधानी से लगाने पड़ेंगे इसको, अगर ऐसा लगाना है तो। और बस ऐसे ही लगा देना लिप बॉम जैसे, तो वो लगा सकते हैं। देखिए इतना अच्छा कलर। और ये जो यहाँ पे मैं चिक्स पर लगा देती हूँ, लग रहा है एकदम, स्मेल आ रही है मुझे। मतलब मैंने इसमें डायरेक्ट चॉकलेट मिलाया है, तो स्मेल और स्मेल मतलब मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा खा जाओ। बट नहीं खाना है इसको अपने, जब तक ये स्लिप्स को डाइजेशन नहीं कर देता तब तक इसको उल्टाना नहीं है। जब लगे कि नहीं मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं नहीं खा पाऊँ, मतलब मैं नहीं रुक पाऊंगी, तो आप इसको अंदर।